19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें और अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करने, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ जन जन को शपथ दिलाने और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है। हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे, इस बार के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया गया। गोरखपुर न्यूज और स्वीप के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शपथ लेकर जनता से अपील करते हुए कहा कि 19 मई को होने वाले मतदान के दिन घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अंकित अग्रहरी सर, मैं लोगों से यही जो है कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आस पड़ोस के लोगों को वोटिंग के लिए बताएं और सबको जो है एक सबका साथ सबका विकास के साथ जो है सबको वोटिंग के लिए ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटिवेट करें कि वो वोट दें, क्योंकि वोट हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। हम सारे लोग जो है वोटिंग करें, हम यही जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से लोगों को ये अपील देना चाहेंगे। थैंक यू। हेमंत कुमार मेरा नाम है, मैं यही गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। वोटिंग के लिए यही अपील करेंगे गोरखपुर के लोगों से कि सब काम छोड़कर सबसे पहले वोट करें। मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही एक वो अधिकार मिला है हमें अपने एक सशक्त और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण का, जिसमें हम सभी एक अहम हिस्सेदारी करें और आने वाले आगामी जो 19 मई का जो तारीख तय किया गया है मतदान का, हम सभी अपने घरों से निकलकर गोरखपुर के लोगों को इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है बढ़े, इसके लिए हम सभी को जागरूक होकर और मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट देना चाहिए सबसे पहले, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज जो हो वो गोरखपुर का सबसे ज़्यादा हो, यही निवेदन करना चाहेंगे। और एक शेर के माध्यम से कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, लोग तमाम तरीके के प्रलोभन और वादों का बात करते हैं, एक शायर है, कौम को कफीरों से न बांटो, लंबी राहों को मीरों से न बांटो, ये दहकता हुआ आग का दरिया है युवा शक्ति, इसे जाति धर्म मजहब में न बांटो, इसे जाति धर्म मजहब में न बांटो। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत कुमार से, वोटिंग आने सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो वोटिंग होती है बहुत ही कम परसेंट है, तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा वो उस दिन जो वोट जरूर करने जाएं, अपने सारे काम प्रमुख कार्यों को भले चाहे एक दिन के लिए छोड़ दें, लेकिन मुझे उसको वोट जरूर करें जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े और एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सके। 19 तारीख में चुनाव है, सभी आम जनताओं से यही निवेदन करेंगे कि आप भारी से भारी मात्रा में जाएं और वोट करें, वोट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है जिससे आप एक सशक्त लीडर को चुन सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इसमें सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि आप वोटिंग करने जरूर जाएं। विपिन कुमार शर्मा, 19 तारीख को वोटिंग है सर, हम स्टूडेंट एक तो तैयार है वोटिंग करने के लिए, आम जनता से मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख को वोटिंग करें, काम है उसको ध्यान में रखते हुए उसको वोट करें।